हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव बंसल विद यू ऑल अगेन। जैसा कि 12th क्लास की लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ऑन आवर बोर्ड, सो आज से हम लोग 11th क्लास का पोर्शन भी अपना बोर्ड पर ही स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ पिछले लेक्चर्स हमने सिर्फ पेपर फॉर्मेट में स्टडी किए थे, बट आज से हम लोग अपना 11th का पोर्शन भी बोर्ड पर ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11th में मैंने आपको स्टेम के बारे में पढ़ा चुका हूँ, रूट के बारे में पढ़ा चुका हूँ, लीफ के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है जिसकी हम लोग को मॉर्फोलॉजी जाननी है, दैट इज फ्लावर। और फ्लावर को जानने से पहले एक छोटी सी टर्म हमारे सामने आती है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो बेसिकली जब हम फ्लावर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उससे पहले जानना जरूरी है कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है। अब जब आपने जाना था लीफ के बारे में, तो लीफ के बारे में आपने जाना था फाइलोटेक्सी, और फाइलोटेक्सी आपको बता रही थी कि कैसे लीफ का पैटर्न अरेंज हो रखा है, लीफ कैसे अरेंज हो रखी है किसी भी प्लांट के ऊपर। अगर मैं यही बात किसी भी फ्लावर के ऊपर लगा दूं कि फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे हो रखा है किसी भी प्लांट के ऊपर, तो इन दैट कंडीशन द टर्म इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। उस कंडीशन में टर्म क्या कहलाएगी, इन्फ्लोरेसेंस कहलाएगी। बट इन्फ्लोरेसेंस जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पर तीन वर्ड लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। फ्लावर से रिलेटेड है हमारा, सबसे पहले तो फ्लावर आपको पता होना चाहिए फ्लावर क्या होता है। द मेन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज फ्लावर? तो फ्लावर इज नथिंग, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट वाज पार्ट ऑफ द प्लांट, सॉरी इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैं कह दूंगा कि किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फ्लावर है। तो दो टाइप का फ्लावर होता है आपके पास, एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। एक कौन सा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड द अदर वन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यहां पर आपको शायद मुझे लगता है रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट में, तो मैं यहां पर इसको दोबारा लिख देता हूं, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल नाम से पता चल रहा है, यूनि, जब हमारे सामने टर्म यूनि आ रही है तो यूनि का मतलब क्या है, सिंगल। और सिंगल का मतलब क्या होता है कि या फिर या तो मेल फ्लावर है या फिर फीमेल फ्लावर है, या तो मेल फ्लावर है या फिर फीमेल फ्लावर है। बट बाइसेक्सुअल के केस में हम ये कह सकते हैं कि विद इन ए फ्लावर बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मेल एज वेल एज फीमेल। कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा, उस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। मोस्टली चाइना रोज वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अब आपकी इतनी बात तो समझ में आ चुकी है कि फ्लावर क्या होता है, बट फ्लावर को सिर्फ इतना जानना कि इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉट इनफ, ये हमारे लिए इनफ नहीं है 11th क्लास के लेवल पर। ये हमने 10th क्लास में तो इतना जान लिया था, हम कह रहे थे कि भाई फ्लावर क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके पार्ट्स पढ़ लिए थे। बट एक छोटी सी बात अभी आपको यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जाननी है कि फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और फ्लावर का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो फ्लावर के फॉर्मेशन में कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है और किस पार्ट का मॉडिफिकेशन फ्लावर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक छोटी सी बात समझिए, इफ This is the main growing tip of a plant. ये किसी भी plant की main growing tip है जिसको हम बोलते हैं shoot apical meristem. क्या बोलते हैं? Shoot apical meristem. क्या कहलाता है? Shoot apical meristem. मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर अगर हम shoot की बात करें तो nodes पाई जाती है। क्या पाई जाती है? Nodes पाई जाती है। मैंने आपको लेक्चर में बता ही दिया था shoot के कि यहाँ पर nodes देखने के लिए मिलती है। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, नॉर्मली क्या होता है जब एक प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है तो ये नोड्स, ये जो इंटर नोड्स की लेंथ है ये इंक्रीज होती रहती है, ये जो इंटर नोड्स की लेंथ है ये इंक्रीज होती रहती है, और जो हमारा प्लांट है वो साइज में बढ़ता रहता है, लेंथ में बढ़ता रहता है। बट अगर यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूं कि अगर आप सपोज कीजिए ये डिस्टेंस बढ़े ना और कंडेंस हो जाए, ये डिस्टेंस बढ़े नहीं, लेंथ में नहीं बढ़े और कैसे हो जाए, कंडेंस हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सपोज यहाँ पर देखिए। अब ये तो आपको पता है कि ये जो नोड्स हैं इसी से सारे पार्ट्स अराइज होते हैं, जो नोड्स हैं उसी से लीफ अराइज होगी, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। चाहे लीफ है चाहे फ्लावर है, उसका भी कोई सा भी पार्ट है, फ्रूट है, कोई सी भी चीज है, हमेशा नोड से ही अराइज होगी, इंटर नोड से कोई भी चीज अराइज नहीं होने वाली है। तो अब मैंने आपसे कहा कि फ्लावर जो है हमारा उसके अंदर मेनली तीन चार पार्ट होते हैं, अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, फ्लावर के अंदर तीन चार पार्ट होते हैं। बट आप ये समझिए कि वो जो तीन चार पार्ट होते हैं, सपोज कीजिए एक पार्ट यहां से निकला जो सबसे बाहर का पार्ट है, सपोज मैं कहता हूँ सेपल यहां से निकली, उसके बाद मैंने कहा आपसे पेटल यहां से निकली, उसके बाद मैंने आपसे कहा एंडोशियम यहां से निकला, और सॉरी उसके बाद मैंने आपसे कहा गाइनोशियम यहां से निकला। अब ये जो आपको चीजें दूर दूर दिखाई दे रही है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ कंडेंस कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, कंडेंस कर दीजिए। तो जब ये कंडेंस होगी तो यहां पर ये इतनी पास पास आ जाएगी कि ये सारी चीजें जब अराइज होंगी तो ऐसा लगेगा
किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर से अराइज हो रही है, बट ऐसा नहीं है, अलग अलग नोड्स से अराइज हो रही है, और अलग अलग नोड्स से जब अराइज हो रही है तो सिर्फ क्या हुआ है, कंडेंस हुआ है। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड, ये आपको लिखना होगा, दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। फ्लावर इज नथिंग अदर देन मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। फ्लावर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट है। ज्यादा आपको नहीं जानना है, अभी सिर्फ इतना बेसिक जानिए कि फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट, ये शूट था, ये कंडेंसेशन हुआ, जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि फ्लावर क्या है। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर को आगे डिटेल में भी जानेंगे, बट उससे पहले हम जान लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द प्लांट, कि प्लांट के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसे हो रखा है, उसी टर्म को या उसी पैटर्न को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लोरेसेंस हमारे कितने टाइप का है, वैसे तो मल्टीपल टाइप्स का होता है। जब हम बात करते हैं मेन दो टाइप्स की, तो उन दो मेन टाइप्स के सब टाइप्स भी आ जाते हैं, बट हमने वो नहीं जानने, हमने सिर्फ दो मेन टाइप जानने। सबसे पहला आता है आपका रेसिमोस और दूसरा आता है साइमोस। ये दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आपके सामने आता है, एक तो होता है आपका रेसिमोस और दूसरा कौन सा होता है, साइमोस। देखिए क्या कंडीशन है, पहले हम रेसिमोस को उठा लेते हैं। रेसिमोस वाली कंडीशन में मैंने आपसे कहा दिस इज द ग्रोइंग प्लांट, ये प्लांट आपका ग्रोथ कर रहा है। अब जब ये प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो इसकी टिप है ये हमेशा ग्रोथ करती रहे और फ्लावर नीचे आने शुरू भी हो जाए, फ्लावर जो है नीचे आने शुरू भी हो जाए। इसका मतलब नीचे पहले से फ्लावर आने लगे और ये वाली चीज हमेशा बढ़ती चली जा रही है, हमेशा क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि शूट जो है, मेन जो एपिकल इसकी टिप है, इट कंटिन्यूज टू ग्रो, ये हमेशा बढ़ती रहेगी, यहां पर कभी फूल नहीं आएगा, और आएगा तो सिर्फ सबसे बाद में आएगा अगर कंडीशन बनती है। वैसे यहाँ लिटरली बहुत ही कम कंडीशन में फ्लावर देखने के लिए मिलता है। हमेशा क्या होता है कि नीचे की तरफ से फ्लावर पहले आने शुरू हो जाते हैं और ऊपर की तरफ बाद में। तो इसका मतलब नीचे पुराना ऊपर नया। तो आपको मैंने लीव्स के केसेस में बताया था दिस इज टाइप ऑफ सक्सेशन इज नोन एज एक्रोपेटल सक्सेशन। इस टाइप का सक्सेशन हमारा क्या कहलाता है, एक्रोपेटल सक्सेशन कहलाता है, जिसमें पुराना क्या होता है नीचे और नया कहाँ होता है ऊपर। तो याद रखिएगा कि ये जो टिप है इसने रेस लगा रखी है, ये जो टिप है इसने रेस लगा रखी है। तो यहां से आपको ये याद हो जाएगा, रेस लगा रखी है और ये कभी रुक नहीं रहा है, हमेशा रेस लगा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसका मतलब कौन सा आपका इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा, दैट इज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेंगे, दो एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, वैसे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट फिर भी आप लिख लीजिए, गुलमोहर एंड मैंगो, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। किसके एग्जाम्पल है, रेसिमोस के, शायद नाम दिखना रहा हूं तो मैं बता देता हूं, गुलमोहर एंड मैंगो आने वाला है, आइएगा। तो दीज आर द बेसिक्स एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिमोस, गुलमोहर एंड मैंगो। रेसिमोस समझ में आ गया आपको, रेसिमोस के मल्टीपल टाइप होते हैं, बट हम इस लेक्चर में उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। स्पैटिक्स होता है, कंबल होता है, कंपाउंड अंबल होता है, और आपका स्पाइक होता है, बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं इसके, रेसिमोस के सब टाइप्स आ जाते हैं। बट इतना ज्यादा हम लोग को लेक्चर को डिटेल नहीं जाना है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस पढ़ाना है, पहले ही बताया था आपको, तो एनसीईआरटी बेस से ज्यादा नहीं दे रखा है, फिर भी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। तो आपको समझ में आ गया कौन सा सक्सेशन है, एक्रोपेटल सक्सेशन। जस्ट उल्टा कर दीजिए, जस्ट उल्टा करना है और आपको कौन सा इन्फ्लोरेसेंस आ जाएगा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस देखने के लिए मिलेगा। जस्ट रिवर्स कर दीजिए, कौन सा इन्फ्लोरेसेंस देखने के लिए मिलेगा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस देखने के लिए मिलेगा। और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या कह रहा है कि जब प्लांट ग्रोथ करना शुरू करता है, जैसे ही प्लांट ने ग्रोथ करना शुरू किया तो सबसे पहले फ्लावर कहां आएगा, टिप पर आएगा। कहां पर आएगा, टिप पर आएगा। और हमेशा याद रखिएगा ज्यादातर कंडीशन में क्या देखा गया है कि जब टिप पर फ्लावर आ जाता है तो प्लांट की ग्रोथ वहीं पर स्टॉप हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो आप क्या लिख देंगे कि ग्रोथ स्टॉप्स एंड द फ्लावर इज मोस्टली, ज्यादातर कंडीशन में फ्लावर कैसा हो जाता है, सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब अकेला, मुश्किल है कि नीचे भी फ्लावर्स आएंगे, बट ज्यादातर देखने के लिए क्या मिलता है कि कैसा हो जाता है, प्लांट सॉलिटरी हो जाता है, फ्लावर कैसा हो जाता है, सॉलिटरी। बट अगर फिर भी बाद में नीचे फ्लावर आ जाते हैं तो इसका मतलब यहां पुराना और यहां नए आएंगे, जस्ट उल्टा कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ सक्सेशन इज नोन एज बेसी पैटर्न। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसी पैटर्न में बाद में बताऊंगा। तो इस टाइप का सक्सेशन आपका क्या कहलाता है,
बेसिक पैटर्न सक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिक पैटर्न सक्सेशन कहलाता है। बट जब हम बात कर रहे हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की, तो यहां पर आप एग्जांपल याद रख लीजिएगा ड्रोसेरा। दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। किसका एग्जांपल है? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या? ड्रोसेरा। तो ये बेसिक सी चीजें हो गई हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। क्वेश्चन आपको याद रखना है बार बार, रेसिमोस एग्जांपल, साइमोस एग्जांपल। नीट में इस चैप्टर से पूछा जाएगा, तो एग्जांपल पूछा जाएगा मैचिंग बेस, जैसे कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताता आ रहा हूं। तो ये बेसिक सी आप समझ जाइए कि यहां पर क्या हो जाएगा, सॉलिटरी कंडीशन, और ग्रोथ हमेशा के लिए स्टॉप्स हो जाती है, मतलब रुक जाती है, क्योंकि यहां पर एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू मैच्योर हो गया है। और जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर डिवीजन रुक जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का सेल्स है जो हमेशा डिवाइड करता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब कंडेंस हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो फाइनली डिवीजन रुक जाएगा एंड द ग्रोथ स्टॉप्स एंड द फ्लावर बिकम सॉलिटरी। ज्यादातर कंडीशन में ये देखा जाता है फ्लावर कैसा हो जाता है, सॉलिटरी हो जाता है। तो साइमोस का एग्जांपल आपका हो जाएगा ड्रोसेरा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस। ये भी दो चीजें हम लोग को जाननी थी इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, इसको एक बार देख लीजिए आप, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फ्लावर के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो हमें फ्लावर से रिलेटेड जाननी है, वो सारी टर्म्स हम क्लियर करेंगे, क्योंकि जब हम आगे चल के फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी फ्लावर की फैमिली के बारे में जब हम जानने वाले हैं, तो उस फैमिली में वो सारी टर्म्स हमारे काम आने वाली हैं। ये जो टर्म्स आपको बताई हैं सब काम आने वाली हैं, इससे पहले जो हमने जाना है वो सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। जब भी आप किसी प्लांट की फैमिली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें उसकी मॉर्फोलॉजी को बताने के लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हर एक टर्म को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। जितना कोई भी डाउट आता है आपका, कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूछिए, कोई उसमें परेशानी नहीं है बताने में। तो ये बेसिक सा हमारा इन्फ्लोरेसेंस का पोर्शन खत्म हो जाता है। फ्लावर का पार्ट हमारा बहुत बड़ा है, इसको दो लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे, जितना भी हमारा कवर हो जाएगा। फिलहाल आज हम जितना कोशिश करेंगे 20-25 मिनट का लेक्चर हमारा निमट जाए, और जल्दी से जल्दी हम लोग ये चैप्टर्स को क्लियर करना चाह रहे हैं। और 12th का भी हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन पहला यूनिट स्टार्ट किया है। तो ज्यादा से ज्यादा उसको व्यूज देखिए, देखिए उसको, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जा रहा है, और दो चार एग्जाम्पल्स उससे फालतू ही आपको बताया जा रहा है। चलिए बात करते हैं फ्लावर की। तो फ्लावर में बेसिक सी चीज तो आपको बता ही चुका हूं कि फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, फ्लावर इज नथिंग अदर देन मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट, कि जो शूट है वो मॉडिफाई हो गई है कंडेंसेशन होने के बाद, और जो एक दूसरे के दूर दूर वाले नोड्स थी वो बिल्कुल पास आ गई है, और उन पर जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल थे वो बिल्कुल पास आ गए हैं। बट हम जानते हैं फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर मैं फ्लावर का डायग्राम बना के आपको हाथों समझा दे रहा हूँ कि बेसिक सी चीजें क्या क्या पाई जाती है फ्लावर के अंदर। These are the basic things जो हम देख रहे हैं डायग्राम की मदद से कि फ्लावर में ये सारी चीजें पाई जा रही हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से डायग्राम देखना है, डायग्रामेटिक स्टडी जितना अच्छे से करेंगे आप उतना आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई ज्यादा बहुत इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, आप एकदम समझने वाले हैं सारी चीजों को, चाहे वो फ्लावर हो चाहे उसके बाद के स्ट्रक्चर हो, आप एकदम से उसको समझ जाएंगे जब हम डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, ये फ्लावर का बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जानने वाले हैं कि क्या क्या पार्ट्स अवेलेबल होते हैं जब हम किसी फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। सबसे पहले हमने क्या कहा कि फ्लावर को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, किसमें डिवाइड कर दिया है? पार्ट्स में, और वो पार्ट्स यहाँ पर क्या कहलाते हैं? वर्ल्स कहलाते हैं, WHORLS, दीज पार्ट्स आर नोन एज वर्ल्स। वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं? वर्ल्स कहलाते हैं। वर्ल्स क्या होता है? आपकी ग्रुप होता है। वर्ल्ड क्या होता है? ग्रुप होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब हम फ्लावर की बात कर रहे हैं तो फ्लावर मेनली कंसिस्ट ऑफ फोर वर्ल्स, किसी एक फ्लावर के अंदर मेनली कितने वर्ल्स होते हैं? फोर वर्ल्स होते हैं, या फिर ये कह दीजिए चार ग्रुप होते हैं। ज्यादातर किसमें? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में। किसमें? बाइसेक्सुअल फ्लावर में, क्योंकि हमने कहा था बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है जिसके अंदर मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, तो जिसके अंदर दोनों पेट्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर चार वर्ल्ड। और अगर आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने वर्ल्ड हो जाएंगे? तीन वर्ल्ड हो जाएंगे, क्योंकि या तो फिर वो मेल फ्लावर होगा या फिर
फीमेल फ्लावर होगा या तो स्टेमिनेट होगा या पिस्टिलेट होगा, दोनों कंडीशन अभी बता देता हूँ, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट क्या होती है। अभी जो चार वर्ल्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जब हम फ्लावर को बिल्कुल बाहर से देखते हैं उससे अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो जो सबसे पहला वर्ल आप देखते हैं, जो ग्रुप देख रहे हैं वो कहलाता है आपका कैलिक्स। द आउटर मोस्ट वर्ल जो सबसे बाहर का वर्ल है, जो सबसे बाहर का ग्रुप है वो कहलाता है कैलिक्स, और उस कैलिक्स का एक इंडिविजुअल मेंबर कहलाता है आपका सेपल। उस कैलिक्स का एक इंडिविजुअल मेंबर आपका क्या कहला रहा है, सेपल कहला रहा है उस कैलिक्स का एक इंडिविजुअल मेंबर। अब हिंदी में बता देता हूं आपको, ये जो आपको ग्रीन कलर की पत्ती दिख रही है यहाँ पर, दिस इज सेपल। तो सेपल से आपको समझना आ रहा होगा कि जब कोई फ्लावर अपनी बड कंडीशन में होता है, जब कली होती है, आप गुलाब की कली देखिएगा, उस कली में आपको एक ग्रीन कलर की ऊपर से पत्तियां दिखाई देती हैं, जिसको आप बोलते हैं कली को जो कवर कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो सेपल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, किसी भी बड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, किसी भी बड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है आपकी सेपल्स। उसके बाद जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा ग्रुप आता है हमारा, दैट इज कोरोला। और जब हम कोरोला की बात कर रहे हैं तो द इंडिविजुअल मेंबर इज नोन एज पेटल। जो कोरोला है उसका इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाएगा, पेटल कहलाएगा। इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाएगा, पेटल कहलाएगा। और ये जो आप, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर बनाया है, दिस वन, दिस इज पेटल। पेटल मतलब वो पार्ट जो कि अट्रैक्टिव होता है फ्लावर में। इसका मेन फंक्शन होता है अट्रैक्शन प्रोवाइड कराना, इसका मेन फंक्शन होता है अट्रैक्शन प्रोवाइड कराना, और अंदर वाले जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एक तरीके से उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो अट्रैक्शन ये किसको लिए, किसके लिए प्रोवाइड करा रहा है, जितना भी आपका इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट आ सके और पॉलिनेशन करा सके। ये 12th क्लास में आप लोग जानेंगे पॉलिनेशन, या आपने 10th में भी पढ़ा होगा पॉलिनेशन के बारे में, बट यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, फ्लावर की। तो जैसे ही इससे अंदर की तरफ वर्ल्ड्स में हम बढ़ते हैं तो आपका नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कौन सा पार्ट है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दिस पोर्शन इज नोन एज एंथर। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं एंथर कहलाता है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट कहलाता है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट कहलाता है। जो फिलामेंट आप देख रहे हैं इसके भी दो एंड है, ठीक है, इसके दो एंड है, जो पास है दैट इज पिस्टल, पिस्टल एंड, और ये पिस्टल फिलामेंट, और सॉरी प्रॉक्सिमल फिलामेंट, और ये डिस्टल, कंफ्यूजन, सॉरी दैट इज प्रॉक्सिमल एंड दिस इज डिस्टल एंड। ये पास वाला प्रॉक्सिमल एंड हो जाएगा और ये वाला डिस्टल एंड हो जाएगा, जो दूर का एंड है फिलामेंट का। तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके एक इंडिविजुअल मेंबर को, अगर आप ये एक इंडिविजुअल मेंबर देख रहे हैं, अगर आप ये एक इंडिविजुअल मेंबर देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टेमन। ये एक इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है, जो कि दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट आपका आता है एंथर और प्लस फिलामेंट। ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा ही दिया है कि कौन सा एंथर है और कौन सा फिलामेंट है। तो ये दोनों चीजें मिलकर आपकी क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं, और एक इंडिविजुअल मेंबर स्टेमन कहला रहा है, और पूरा ग्रुप आपका क्या कहला रहा है, एंड्रोशियम कहला रहा है। पूरा ग्रुप क्या कहला रहा है, एंड्रोशियम कहला रहा है। आगे बढ़ते हैं, जब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट जो सबसे अंदर का पार्ट है दैट इज गाइनोशियम। जो सबसे अंदर प्रेजेंट है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज नोन एज गाइनोशियम। और गाइनोशियम के एक इंडिविजुअल मेंबर को, जब हम एक इंडिविजुअल मेंबर की बात कर रहे हैं, इट इज नोन एज कार्पेल, इट इज नोन एज कार्पेल और पिस्टिल। इसको कार्पेल भी बोल सकते हैं या फिर पिस्टिल भी बोल सकते हैं, कार्पेल भी बोल सकते हैं या फिर पिस्टिल भी बोल सकते हैं। अब इसके आप देख रहे हैं तीन पार्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। द अपर मोस्ट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। ये जो सबसे ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं इसको स्टिग्मा बोलते हैं। यहां पर अगर आपको एंथर ना दिख रहा हो तो मैं आपको यहां पर एक बार दिखा देता हूं एंथर। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां से यहां तक का, इट इज फिलामेंट। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, फिलामेंट, ठीक है। और ये जो स्टिग्मा है, जो सबसे ऊपर का पार्ट है, इसको फिर से मार्क कर ले रहा हूं, शायद यहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा बोल रहे हैं। उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज नोन एज स्टाइल। एंड ये जो आप सोलन पार्ट देख रहे हैं, दिस सोलन पार्ट इज नोन एज ओवेरी। और ये सोलन पार्ट फ्लावर का क्या कहला रहा है, ओवेरी कहला रहा है। तो ये जो पूरा पोर्शन है मिलके, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्पल। जब आप इसको पूरे को मिला रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, कार्पल या फिर पिस्टल। और ग्रुप आपका क्या कहलाएगा, गाइनोशियम। आती है इतनी बात समझ में। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब आपने जाना सेपल और पेटल। कभी कभी क्या होता है, जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं,
जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। मैंने आपसे कहा ये कैलिक्स है प्लस कोरोला, आपस में ही दोनों मिल जाते हैं, और जब आपस में ही दोनों मिल जाते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज पेरियांथ। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पेरियांथ बोलते हैं। पेरियांथ बोलते हैं, लिली के केस में हमें देखने के लिए मिलता है, और पेरियांथ का एक इंडिविजुअल मेंबर आपका टेपल कहलाता है। क्या कहलाता है? टेपल कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर सेपल और पैटर बोल रहे हैं, तो पेरियांथ का एक इंडिविजुअल मेंबर आपका क्या कहलाएगा? टेपल कहलाएगा। पेरियांथ का इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाएगा? टेपल कहलाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है किसी भी फ्लावर का। ये आपने बोर्ड में देख लिया, आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। चार पार्ट मैंने बताया आपको। सबसे बाहर सेपल और पूरा ग्रुप क्या कहला रहा है? कैलिक्स कहला रहा है। उसके बाद पेटल इंडिविजुअल मेंबर है, और पूरा ग्रुप आपका इसका क्या कहला रहा है? पेटल का कोरोला कहला रहा है। अंदर आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दिख रहा है, स्टेमन, सिंगल स्टेमन है। ये एंथर हो गया, और यहाँ पर फिलामेंट हो गया। ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया फिलामेंट का, और ये डिस्टल एंड हो गया जो दूर है। उसके बाद डाइमोशन की बात करते हैं, तो एक इंडिविजुअल मेंबर कार्पल या पिस्टिल कहला रहा है, और सबसे ऊपर का पार्ट स्टिग्मा। उसके बाद स्टाइल देख रहे हैं आप, सबसे नीचे पार्ट देख रहे हैं ओवरी, और ओवरीज में ही पाए जाते हैं आपके ओव्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि आगे चल के ही सीड बनाते हैं, और ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है ये आगे चल के। क्लियर? तो बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्लावर से रिलेटेड थोड़ी बहुत टर्म्स हमको और जाननी है, या पॉज करके वीडियो उसको समझ सकते हैं आराम से। डायग्राम को आप वहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। जो चीज ना समझ में आ रही आपको कमेंट सेक्शन में वहां पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तो अब कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको फ्लावर से रिलेटेड बता रहा हूँ। पहली बात मैंने आपको बता दी, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब भी हम किसी फ्लावर को पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने एक चीज आती है, सिमेट्री। किसी भी फ्लावर की सिमेट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी फ्लावर की सिमेट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की, तो दो टाइप की सिमेट्री होती है। एक तो आपकी होती है रेडियल सिमेट्री, और एक होती है बाइलेटरल सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या है? सिमेट्री मतलब एक ऐसा पैटर जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कैसे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर को मैं अगर बीच से डिवाइड कर देता हूं तो जो दो मुझे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। यहाँ पर कैप आ रहा है, यहाँ पर कैप नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होंगे। तो कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब इतना सा है कि सिमेट्री जब हमें बताती है कि फ्लावर में किसी भी चीज का अरेंजमेंट कैसे हो रखा है, उसके फ्लोरल मेंबर्स का अरेंजमेंट कैसे हो रखा है, यही हमें किसी भी सिमेट्री से जानने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपकी दो टाइप की सिमेट्री होती है, रेडियल एज वेल एज बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री एनिमल्स में रेडियल कहलाती है, बट प्लांट्स में उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। एंड इन द केस ऑफ प्लांट्स, बाइलेटरल सिमेट्री इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक। बाइलेटरल सिमेट्री क्या कहलाती है? जाइगोमॉर्फिक। अब जान लेते हैं भाई, रेडियल सिमेट्री क्या है और बाइलेटरल सिमेट्री क्या है। जब हम बात कर रहे हैं किसी भी रेडियल सिमेट्री की, तो मैंने कहा कि आप किसी भी चीज को कट कर रहे हैं, किसी भी प्लेन से काटिए, बट जब आप काट रहे हैं तो वो चीज उसके सेंटर से पास होनी चाहिए। सपोज मैंने कहा ये हाथ का सेंटर है, आप इस हाथ को कहीं से भी किसी भी सेक्शन से काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, बट जब भी आप काट रहे हैं तो वो इस सेंटर से पास होनी चाहिए। आपकी सीजर या फिर जिससे भी आप चीज किसी चीज से उसको कट कर रहे हैं, ब्लेड से कट कर रहे हैं, किसी भी चीज से कट कर रहे हैं, तो वो सेंटर से पास होना चाहिए। तब आपको दो इक्वल हाफ्स मिलते हैं, दो इक्वल हाफ्स मिलते हैं, और ये कंडीशन में सिमेट्री क्या कहलाती है? रेडियल कहलाती है, या फिर दूसरा नाम इसका क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक कहलाती है। रेडियल कहलाती है, या इसका दूसरा नाम क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक कहलाती है। इसके एग्जांपल्स बता रहा हूं, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली, तीन एग्जांपल है एक्टिनोमॉर्फिक के। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली, ये तीन एग्जांपल हमारे सामने आते हैं किसके? रेडियल सिमेट्री के। समझ में आ गई होगी रेडियल सिमेट्री। अब हम बात करते हैं किसकी? जाइगोमॉर्फिक कंडीशन की। किसकी बात कर रहे हैं? जाइगोमॉर्फिक कंडीशन की। तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में मैंने आपको बताया बाइलेटरल सिमेट्री। कैसी बताई सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री बताई। तो बाइलेटरल सिमेट्री क्या कहती है? कि जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन में किसी चीज को काट रहे हैं वर्टिकली, फॉर एग्जाम्पल अस, जब हम अपने आप को इस प्लेन में काटेंगे, वर्टिकल प्लेन में काटेंगे, तो दो इक्वल हाफ हमें मिलने वाले हैं। तो दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री, और दूसरा नाम इसका क्या है? जाइगोमॉर्फिक। क्या नाम है इसका? जाइगोमॉर्फिक। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक तो पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया। इसके एग्जाम्पल में यहीं पर लिख रहा हूं, पी, गुलमोहर, बीन एंड कैसिया।
दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जाइगोमॉर्फिक कंडीशन या फिर बाइलेटरल कंडीशन, और ये रेडियल कंडीशन जो है हमारी मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, ये तीन एग्जांपल बार बार बोल रहा हूँ। इस चैप्टर में एग्जांपल्स के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादातर कंडीशन में एग्जांपल्स ही आपसे पूछे जाने वाले एग्जाम में। चलिए तो ये दोनों के एग्जांपल्स आपके समझ में आ गए, सिमेट्री भी समझ में आ गई होगी। एक बार डायग्रामेटिक बता देता हूँ। रेडियल सिमेट्री में मैंने आपसे कहा ये मेरा सेंटर है, तो मैं किसी भी प्लेन से काट रहा हूँ, बट सेक्शन जो है सेंटर से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। बट बायलेटरल सिमेट्री में मैंने कहा ये इंडिविजुअल है, बस एक ही प्लेन से काट सकता हूँ। कैसे प्लेन से काट सकता हूँ? एक ही प्लेन से काट सकता हूँ, तभी आपको दो इक्वल हाफ मिलेंगे। दो इक्वल हाफ मतलब मिलना, इसका मतलब बायलेटरल, जब लेटरल प्लेन से काट रहे हैं तो दो हाफ मिल रहे हैं, दैट इज नोन एज बायलेटरल सिमेट्री। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल्स क्लियर कर दिए। तो ये टर्म भी हम आगे मॉर्फोलॉजी में जानेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हाँ कैसे हम किसी भी फैमिली को स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट द सिमेट्री। अब जो चीज सिमेट्री दिखा रही है वो तो सिमेट्रिकल, और जो चीज सिमेट्री नहीं दिखा रही है वो एसिमेट्रिकल, मतलब वहां पर कोई सिमेट्री नहीं है, मतलब एसिमेट्री। तो एक एग्जांपल हमारे पास यहां पर है, दैट इज ऑफ कैना। कैना प्लांट में हमें कोई सिमेट्री देखने के नहीं मिलती है। फ्लावर में ये किसकी सिमेट्री की बात चल रही है? फ्लावर्स की सिमेट्री की बात चल रही है, ना कि आपकी प्लांट की सिमेट्री की। किसकी बात चल रही है? फ्लावर की सिमेट्री की बात चल रही है। तो यहां पर सिमेट्री जिसमें कोई सिमेट्री देखने के लिए नहीं मिलती है वो क्या कहलाता है? आपका कैना कहलाता है। क्या कहलाता है? कैना प्लांट कहलाता है, जिसके फ्लावर में हमें कोई सिमेट्री देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो यहां पर आप एग्जांपल लिख लीजिएगा। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स। ये क्या हो गए? हमारे बेसिक एग्जांपल्स हो गए जब हम किसी भी सिमेट्री की बात करते हैं। अब एक और नई कंडीशन आती है हमारे सामने, फ्लावर के अंदर जो वल्स है वो कितने के मल्टीपल में है, कितने के मल्टीपल में है। तो इसके बेसिस पे हमने फ्लावर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो आता है आपका ट्राइमेरस, दूसरा आता है टेट्रामेरस, और तीसरा आता है आपका पेंटामेरस। कहने का सेंस सिर्फ इतना है, मैंने आपसे कहा कि किसी फ्लावर में अगर पेटल्स है वो तीन के मल्टीपल में प्रेजेंट है, तीन है, छह है, नौ है, वैसे तो तीन ही देखने के लिए मिलती है। तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है ट्राइमेरस फ्लावर। टेट्रामेरस कंडीशन में चार के मल्टीपल में है, चार है, आठ है, तो वो टेट्रामेरस, और पांच के मल्टीपल में जब होती है तो ज्यादातर ये कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है पेंटामेरस। तो इस कंडीशन में फ्लावर क्या कहलाता है? पेंटामेरस फ्लावर। क्या कहलाता है? पेंटामेरस फ्लावर। जब चार के मल्टीपल में होती है तो टेट्रामेरस फ्लावर, और जब तीन के मल्टीपल में होती है तो ट्राइमेरस फ्लावर। इतनी बात समझ में आती है? कोई आपत्ति नहीं। फिर से देख लेते हैं एक बार क्या पढ़ा है आपको। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दिया है, उसके अलावा आपको रेडियल सिमेट्री और थोड़ी सी बेसिक चीजें बताई हैं। फ्लावर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताए हैं। हमारा इन्फ्लोरेसेंस का पोर्शन कवर हो गया, रेसिमोस एज वेल एज साइमोस, क्लियर। अब जो इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया था वो तो हमारा बेसिक था, जो हमें ज्यादातर देखने के लिए मिलता है हमें, बट हमारे पास तीन ऐसे स्पेशल इन्फ्लोरेसेंसेस होते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। सिर्फ मैं उनका आपको नाम बता रहा हूँ और नाम के साथ सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। फिर लेक्चर खत्म करते हैं और आगे का फ्लावर का पोर्शन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। दैट इज साइथियम, साइथियम दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस विच इज फाउंड इन द केस ऑफ यूफोर्बिया। किसके केस में पाया जाता है ये? यूफोर्बिया के केस में पाया जाता है। किसके केस में पाया जाता है? यूफोर्बिया के केस में हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन इज वर्टिसिलेस्टर, दैट इज वर्टिसिलेस्टर। दिस टाइप ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिसिलेस्टर, इज फाउंड इन द केस ऑफ ऑसिमम। किसके केस में पाया जाता है? ऑसिमम सेंट्रम। किसके केस में पाया जा रहा है? ऑसिमम सेंट्रम के केस में। और लास्ट आता है आपका हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम। ये आप 12th क्लास में भी पढ़ेंगे हाइपेंथोडियम के बारे में थोड़ा सा। तो हाइपेंथोडियम वाला जो है आपका, वो किसके अंदर पाया जा रहा है? फाइकस बेंगेलेंसिस, जो आपको पहले भी बता चुका हूं, जो हमारा बेंगेल ट्री होता है, नेशनल ट्री है हमारा, दैट इज फाइकस बेंगेलेंसिस। गॉट इट? तो ये तीन स्पेशल एग्जांपल है। यूफोर्बिया यहां नहीं दिख रहा है तो यहां पर भी लिख देता हूं, दैट इज यूफोर्बिया। ये हमारा तीन टाइप का स्पेशल साइथियम, तीन टाइप का हमारा स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने के लिए मिलता है। साइथियम इन द केस ऑफ यूफोर्बिया, वर्टिसिलेस्टर इन द केस ऑफ ऑसिमम सिंक्टम,
and hypanthodium in the case of Ficus bengalensis. Got it? So these are the basic things which are related to flower. ये basic सी चीजें थी. किसी भी flower के बारे में जब हम जानते हैं तो ये basic चीजें हमें बता होनी चाहिए. आगे के lecture में हम लोग जानने वाले हैं hypogynous, perigynous और epigynous flower क्या होते हैं, estimation जानेंगे, कैसे पैटर्न्स वगैरह का अरेंजमेंट होता है, एंडोशियम के बारे में और गायनोशियम के बारे में. फ्लावर का लेक्चर हम फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं. ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो. जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी डाउट है इवन आप कॉल करके पूछ सकते हैं. मेरा नंबर वहां पर दिया हुआ है, मैं कमेंट सेक्शन में नंबर अवेलेबल करा दूंगा. तो वैसे अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.